So hello everyone, it's me from SkyTechie and today in this video I will be going to let you know कि किस तरीके से आप अपना Android X का जो error आता है आप लोगों को, यानी कि इसमें Gradle की properties फाइल के लिए बोलता है यहाँ पर, जैसा कि मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पर बोलता है Gradle.properties फाइल में आप अपना Android X component का add करिए उसको, वहाँ पर Android X के लिए वहाँ पर उसको true की permission दीजिए, but यहाँ पर हम Gradle.properties फाइल ही नहीं add कर पाते या तो उस error को remove ही नहीं कर पाते, तो उस आज इस error का हम solution देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बार मैं आपको यहाँ पर build करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास properties वाली फाइल नहीं है और ना ही मेरी यहाँ पर Android X की properties define हो रखी है true में, तो एक बार मैं आपको यहाँ पर generate करके दिखा देता हूँ अपना IP के, तो यहाँ पर मेरे को वही सेम एरर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं अपनी डिटेल्स जाके मैंने कंटिन्यू कर दिया है एंड यहाँ पर मैं बिल्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मेरे को पता चलता रहे कि कितनी प्रोसेसिंग हो रही है एंड लेट्स वेट टिल इट्स कंप्लीशन, और अगर हमारा एरर आता है तो हम उसको रिजॉल्व करते हैं जल्दी से। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बिल्ड फेल्ड हो चुका है। तो चलिए अपने वीडियो का आगे कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें वही सेम एंड्रॉइड एक्स वाला एरर देखने को मिला है। तो चलिए जल्दी से इस एरर को रिजॉल्व करते हैं और अपना एरर को रिजॉल्व करके अपने एपीके को एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुछ स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, कुछ मेथड्स हैं और उनसे आपका एरर गारंटेड रिजॉल्व हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको इस कोड को यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये कोड काफी ज्यादा काम आने वाला है, ये भी हमारा एक स्टेप का पार्ट है। एंड सेकंड थिंग, यहाँ पर जो मैंने प्रोजेक्ट यूज किया है उसका नाम है न्यू प्रोजेक्ट 9। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, न्यू प्रोजेक्ट 9 में कुछ चेंजेस करने वाला हूँ और साथ ही में एक फोल्डर यहाँ पर इसकी जो जिप फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दो चीज मिलने वाली है, एक नोटपैड वाला टेक्स्ट जो मैंने भी आपको दिखाया था, ये वाला जो कोड आपको जरूरत पड़ने वाली है इसकी, एंड दूसरी इसकी फाइल। तो इसके अंदर क्या है, जो प्रॉपर्टीज वाली फाइल है वो पूरी की पूरी आपको मिलने वाली है एंड इसी जो जिप फाइल है के अंदर आपका कोड टू रिजोल्व वाला टेक्स्ट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपना एरर रिजोल्व में। तो सबसे पहला स्टेप आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आपको जाना है ग्रेडल रैपर प्रॉपर्टीज पर एंड यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है। ओके, तो इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, तो जिसमें से आपको अपना न्यू का ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है एंड न्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पर रिसोर्स बंडल को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पर नेम देना है ग्रेडल। तो स्मॉल में आपको स्मॉल लेटर बिल्कुल सेम जैसे मैंने लिखा उसी तरीके से आपको ग्रेडल यहाँ पर लिख लेना है एंड इसको ओके कर देना है। उसके बाद आपकी ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज की फाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पर बन जाएगी, बट यहाँ पर एक इश्यू है कि ये किसी और लोकेशन पर बनती है, तो अभी यहाँ पर आपको शो यहाँ पर चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। तो उसमें आपको करना क्या है, जो नोटपैड वाला आपको टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो आपको उसको जल्दी से कॉपी कर लेना है यहाँ पर। तो लेट मी कॉपी दिस कोड एंड यहाँ पर मेरे को इस कोड को पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा कोड यह पेस्ट कर दिया मैंने। इसके बाद आपको ऊपर वार्निंग यहाँ पर आएगी, यहाँ पर इसको सिंक नाउ करने को बोलेगा। अगर आपके पास ये नहीं आती तो आपको क्या करना है, आपको अपनी फाइल में जाना है, यहाँ पर आपको सिंक प्रोजेक्ट विद ग्रेडल फाइल्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं सिंक नाउ का क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हमारी ग्रेडल प्रॉपर्टीज फाइल आई है या नहीं आई, तो आपको वेट करना है जब तक हमारी ग्रेडल प्रॉपर्टीज फाइल ये पूरी सिंक हो जाती है। तो इधर देख सकते हैं हम बिल्ड सक्सेसफुली इस तरीके से लिखा हुआ आ गया है, बट अभी हमारी प्रोसेसिंग चल रही है, तो वेट करते हैं जब तक हमारी पूरी ग्रेडल प्रोजेक्ट सिंक नहीं हो जाता। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये हो चुका है, हमारी सिंक पूरी कंप्लीट हो चुकी है, बट यहाँ पर अभी भी आप देख सकते हैं एंड्रॉइड एक्स का हमारे को एरर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या, हमारी वो फाइल यहाँ पर हो तो चुकी है लेकिन वो अभी सिंक होके नहीं आई। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फाइल में जाना है एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेव ऑल का, तो आपको सेव ऑल पर क्लिक करना है एंड आफ्टर दैट आपको फिर से फाइल पे जाना है और यहाँ पर फाइल पे जाने के बाद आपको सिंक प्रोजेक्ट विद ग्रेडल फाइल्स आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं अगेन हमारी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो अगेन यहाँ पर इसको रिफ्रेश करने का ट्राई करेगा एंड सो लेट्स वेट अगेन। ओके, तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है बट अभी भी यहाँ पर हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिला है। तो चलिए अपने फाइल मैनेजर में चलते हैं इसके बाद। तो यहाँ पर हम उसी फोल्डर में जाते हैं पहले जो हमारा प्रोजेक्ट वाला फोल्डर था, तो लेट मी गो बैक एंड यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट 9 का आपको फोल्डर देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको जो प्रॉपर्टीज फाइल जब आपका एरर रिजोल्व हो जाता है तो ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, बुल डॉट ग्रेडल के आसपास आपको देखने को मिलेगी, बट अभी आपने जो क्रिएट करा वो ग्रेडल में आप जाएंगे, ग्रेडल के अंदर रैपर में जाएंगे तो ये फाइल अभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी।
तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप इसको यहाँ से कॉपी करके बाहर वहां पर आके पेस्ट कर सकते हैं इसको डायरेक्टली, या फिर सेकंड थिंग आप जो कर सकते हैं वो ये है, यहाँ पर पेस्ट होना चाहिए जो मैंने आपको देने वाला हूँ जो zip फाइल, उसमें आपको ग्रेडल और प्रॉपर्टीज ये बाहर वाली मिलेगी, रैपर के अंदर वाली आपको कुछ नहीं करना, बाहर वाली आपको ग्रेडल और प्रॉपर्टीज मिलेगी, आपको इसको यहाँ से कट करके और इस फोल्डर में प्रोजेक्ट 9 में आके यहाँ पर पेस्ट कर देना है इस जगह पर। तो उसके बाद हम रिफ्रेश करेंगे पहले सेव ऑल करके, तो हमारा एरर रिजॉल्व हो सकता है, तो उसके लिए भी चेक करते हैं। एंड सेकंड जो आप यहाँ पर देख रहे हैं रैपर में जो अंदर फाइल है ग्रेडल और प्रॉपर्टीज वाली, वो यहाँ पर इसलिए आप डायरेक्टली इस रैपर वाली अंदर वाली फाइल को यहाँ से कॉपी करके एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करें एंड इस जगह राइट क्लिक करके आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो जो हमने एक नोटपैड से कॉपी करके ये वाला लिखा था वो फाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला स्टेप जिसमें हम अपनी बाहर वाले फोल्डर में फाइल डालने वाले हैं। बट यहाँ पर उससे पहले एक और चीज करते हैं, लेट मी क्लिक ओवर दिस राइट क्लिक अगेन एंड यहाँ पर हम फिर से न्यू में जाएंगे एंड यहाँ अगेन हमें रिसोर्स बंडल का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर फिर से अपनी ग्रेडल नाम डालते हैं एंड इसके बाद ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहले हमने फाइल बनाई थी वो हमारी रैपर में थी और जो हमने फाइल बनाई है अब वो हमारी ऐप के अंदर है, बट हमें जो बनानी है वो सीधे प्रोजेक्ट के अंदर बनानी है। तो यहाँ पर जो सेकंड मेथड वो ये है कि आप यहाँ पर जो जिसमें कुछ भी लास्ट में डॉट प्रॉपर्टीज लगा हुआ है, इसमें डॉट ऐप लगा हुआ है, जो बिल्कुल प्लेन वाला है, आप उसमें जाके न्यू पे जाकर यहाँ पर रिसोर्स बंडल पे क्लिक करके यहाँ पर आप ग्रेडल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेट मी एंटर ग्रेडल और यहाँ पर ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज फाइल आपकी बन चुकी है आपके बिल्कुल बाहर। तो आपको इस फाइल में क्या करना है, इस कोड को यहाँ से कट करके ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज सिंपल वाला यहाँ पेस्ट कर देना है एंड इन दोनों फाइल्स को मैं अभी कट कर देता हूँ, एक ऐप वाली है एक प्रॉपर्टी एक हमारी जो रैपर वाली है। अब इसके बाद क्या करना है, मेरे को फाइल मैनेजर में जाना है, तो यहाँ पर रैपर के अंदर से बाय मैनुअली ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज को डिलीट कर देते हैं, बैक चलते हैं एंड यहाँ पर हमारा सॉरी मैंने यहाँ पर रैपर इसके अंदर से डिलीट कर दी बट मेरे को अपने प्रोजेक्ट में से डिलीट करनी है। तो जल्दी से चलते हैं प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट में एक ऐप में से हमें करनी है, तो ऐप में मेरी ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज ये रही, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एंड अगेन सिमिलरली यहाँ पर ग्रेडल के अंदर रैपर के अंदर ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज ये रही, तो मैं इसको डिलीट कर दूँ। ध्यान रखिए ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज ही करनी है क्योंकि हमने बनाई थी। तो आपके पास एक डायरेक्ट वे है अब कि आप किस तरीके से प्रॉब्लम रिसॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में जो हमने फाइल यहाँ पर न्यू क्रिएट करी थी अब वो आपको इस पर राइट क्लिक करके करनी है। तो चलिए यहाँ पर हमने इस पर राइट क्लिक करके मान लीजिए सबसे पहले यही करिए, तो जो हमारी फाइल थी यहाँ पर मे बी हमने वो क्लोज कर दी। तो मैं वापस चलता हूँ अपनी फाइल मैनेजर में, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ हमारी ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज फाइल यहाँ पर अवेलेबल है जो हमारी सेव भी होती है, इसमें 1 KB का डेटा है। तो चलिए यहाँ पर मैं वापस चलता हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो में। तो आपको जो फाइल क्रिएट कर दी है स्टार्टिंग से ही बिल्कुल फाइनल जो आपका एरर रिजोल्व है वो उससे होगा। आपको जैसे अपना एंड्रॉइड एरर आता है आपको इस पर क्लिक करना है फर्स्ट वाले पर जिसके लास्ट में डॉट के अलावा कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू प्रोजेक्ट 9 के बाद कोई डॉट नहीं है, उस पर आपको न्यू पे आना है, रिसोर्स बंडल पे आना है, यहाँ पर आपको स्मॉल में ग्रेडल डाल के ओके कर देना है। उसके बाद जो फाइल बनी उसमें आपको इस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो चलिए यहाँ पर इतना काम हो चुका है, इसके बाद सिंक नाउ करता हूँ एंड सिंक नाउ के बाद देखते हैं इस बार के सिंक नाउ के बाद यहाँ पर हमारी कोई ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज फाइल यहाँ पर शो करता है या नहीं करता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बार में ही हमारी ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज फाइल बन के आ चुकी है। इसे ओपन करते हैं तो उसके अंदर एक कोड भी है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, बस सेव ऑल पे क्लिक कर सकते हैं एंड सेव ऑल पे क्लिक करने के बाद लेट मी ट्राई रनिंग इट। तो मैं बिल्ड करने की से कोशिश करता हूँ, तो जनरेट साइंड APK एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट ओके। तो मैं फिनिश करता हूँ उसे और अब देखता हूँ कि क्या अब हमारा एरर रिजोल्व हुआ या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा APK जनरेट हो चुका है, यानी कि हमारा एरर फाइनली रिजोल्व हो चुका है। तो यहाँ पर जो हमारी ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज फाइल है जो आप लोगों को मैंने दी है एंड्रॉइड फोल्डर से आपको जो मिलने वाली है, उस फाइल को आप डायरेक्टली जो बाहर वाली फाइल इसको कॉपी करेंगे, आपको अगर कोड नहीं लिखना इसको कॉपी करेंगे यहाँ से इस फोल्डर के अंदर आएंगे जिसमें आपको प्रोजेक्ट एंड यहाँ पर डायरेक्टली पेस्ट कर देंगे उस फाइल को एंड उसके बाद आपको एंड्रॉइड स्टूडियो में जाना है। यहाँ पर जाकर आपको सिंक नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, सिंक करना है और वहां पर ऑप्शन नहीं आता आप यहाँ से सेव ऑल कर सकते हैं पहले, फिर सिंक नाउ करेंगे
उसके बाद जैसे ही आपका हेलमेट टिक बन के आता है, कोई एरर नहीं आता, बिल्ड कर सकते हैं। सो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो चुका है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों का भी एरर रिजोल्व हो गया होगा। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, एंड आई थिंक आप लोगों का भी एरर रिजोल्व हो चुका है। अगर नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अस।